बाउंसर को किस तरह आपने छोड़ना है। बाउंसर एक सीक्रेट वेपन है जो कि फास्ट बॉलर यूज करते हैं। जो है ना, सामने आप नजर बॉल के ऊपर रखनी है और नजर रखते होते जब नीचे भी कभी भी सर नीचे नहीं कर देखें। ये हम ये एक मार्बल की स्लैब है जिसको स्टैंड के ऊपर लगाया गया है, जिसके ऊपर वो बॉल को बैट्समैन कैसे छोड़ता है उसको छोड़ने की भी आपने देखा। हेलो, मैं मास्टर क्रिकेट कोच चैनल की कोचिंग सीरीज़ में वेलकम करता हूं और आज आपको हम एक छोटी सी ड्रिल बताएंगे कि बाउंसर को किस तरह आपने छोड़ना है। बाउंसर एक सीक्रेट वेपन है जो कि फास्ट बॉलर यूज़ करते हैं, स्लो बाउंसर, फास्ट बाउंसर, तो उसको सबसे पहले किसी भी बैट्समैन को छोड़ना आना चाहिए। तो आज हम जो आपको ड्रिल बताएंगे कि किस तरह छोड़ना है उसको, उसके अंदर आप देखें कि ये हम ये एक मार्बल की स्लैब है जिसको स्टैंड के ऊपर लगाया गया है, इसके ऊपर वो बॉल को थ्रो करेगा और बैट्समैन जो है वो उसको जो है वो लीव करेगा, चाहे वो सामने से करेगा या नीचे से करेगा। तो ये दो चीज़ें आप देखेंगे और वो आज की ड्रिल में किस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आपने बॉल के ऊपर पे जब भी आपकी नज़र हटेगी तो फिर आप खतरे में जा सकते हैं, फिर बॉल भी आपको लग सकता है। तो हमेशा बॉल की जो है ना, सामने आप नज़र बॉल के ऊपर रखनी है और नज़र रखते होते जब नीचे भी कभी भी सर नीचे नहीं करना है, बॉल हिट कर सकता है। हमेशा बॉल को देखते रहना है, सामने से नीचे से, जैसे भी आपको ईजी, जितने बॉल की हाइट के मुताबिक, बॉल की लाइन के मुताबिक आप बॉल को सबसे पहले छोड़ना सीखें, हिट मारना बाद में आ जाएगा। चलिए आपको ड्रिल दिखाते हैं। ये आपने देखी जी हमारी ड्रिल्स थी, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कैसे छोड़ता है उसको छोड़ने की भी आपने देखा, राइट हैंडर, तो दोनों वैरायटियां आपने देखी हैं कि लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर के लिए। तो इसी तरह आपने भी कोशिश करनी है कि बॉल को वो छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करें जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास स्लैब अवेलेबल नहीं है तो आप ये फर्श पर भी कर सकते हैं, इवन आप ये कोई भी मेज़ रख के तो उसके ऊपर भी जो है ना वो आप टेबल को ले लें, प्लास्टिक का ले लें, लकड़ी का ले लें, लोहे का ले लें, टेबल लेके उसके ऊपर भी आप सॉफ्ट बॉल के साथ ये बॉल छोड़ने की प्रैक्टिस आप ये कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, कमेंट अपने ज़रूर कीजिएगा और माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमें भेजते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।